डोमिनोज का पिज्जा तो लगभग लगभग आप सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी लोकल शॉप का पिज्जा खाया है? तो आज मैं आपको नागपुर की एक ऐसी दुकान में लेके जा रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे पिज्जा बल्क क्वांटिटी में तैयार किए जाते हैं और इसे खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ रेडी किया जाता है। सो चलिए देखते हैं कैसी यूनिवर्स की यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले देख सकते हो यार, चार पैकेट हमने खोल लिए और इतने सारे पिज्जा बेस निकाल लिए हैं। भाई पिज्जा का नाम सुनते ही ना ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मुंह में पानी ना आए। तो यहाँ पे इतने सारे पिज्जा बेस लगा लिए, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ढेर सारे फ्रेश पिज्जा एक साथ कैसे रेडी किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर ये मेयोनीज लगाई जा रही है, जिससे जो उसका बेस है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर पिज्जा सॉस, जो कि भाई रेड कलर का है हमारा, और ये टमाटो केचप से मिलता जुलता होता है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा स्पीड में हमारा जो पिज्जा केचप है वो रेडी करी जा रही है। दिखने में इतने ज्यादा मजेदार लग रहे हैं यार, मैंने ना इतने सारे पिज्जा बनते हुए पहली बार देखे हैं और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पिज्जा खाना ना पसंद हो। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है इसके ऊपर से यहाँ पे वेजिटेबल्स डाली जा रही है, जिसमें कि अनियन है, कैप्सिकम है, बहुत सारी वेजिटेबल्स का ये मिक्स होता है। ये देखो ऊपर से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें वेजिटेबल्स फैलाई जा रही है। ये आ गया ऊपर से टमाटो, तो ये आ गया ऊपर से कैबेज। भाई पिज्जा में कैबेज डलते हुए मैंने पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता है कैसा अतरंगी कॉम्बिनेशन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कैबेज थी ना वो ऑलरेडी मेयोनीज में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करी हुई है। यहाँ पे जितने भी हमारे बेस थे ना उस पे हमारा सॉस आ गया है, वेजिटेबल्स आ गई है, और अब ऊपर से डाला जा रहा है पनीर। भाई जिसको वेजिटेरियन लोग ना अपना बादशाह बोलते हैं, पनीर के बिना मुझे नहीं लगता वेज पिज्जा हमारा कंप्लीट हो सकता। ये देखो ये ऊपर से आ गया मेयोनीज, व्हाइट मेयोनीज से पिज्जा का जो मजेदार टेस्ट होता है वो और डबल हो जाता है, दिखने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। ऊपर से देखो किस तरीके से यहाँ पे वीबा मेयोनीज डाली जा रही है, और ये हो गई ऊपर से चीज की बारिश। भाई इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भर भर के चीज डाला जा रहा है, क्योंकि चीज ही तो ऐसी चीज है जिससे मजेदार पिज्जा में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पिज्जा बेस बन के रेडी हुए थे इन सब के ऊपर चीज डाला जा रहा है, और एक बार चीज की क्वांटिटी देख सकते हो यार, ऐसा लग रहा है कि कोई स्नो कवर्ड माउंटेन होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको चीज से भर दिया गया है, वाओ। तो भाई कोई कितना भी बोले मुझे नहीं लगता चीज के बिना पिज्जा कंप्लीट हो सकता है। मुझे चीज बस पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में इसमें चीज डाला जा रहा है मुझे नहीं लग रहा है चीज बस बनाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यार खूब सारा चीज यहाँ पे हो चुका है। तो एक एक करके हम सब में चीज डाल रहे हैं। तो भाई अगर आप भी नागपुर आ रहे हो ना तो ये वाला पिज्जा मेरे कहने पे जरूर ट्राई करना, क्योंकि जो उसका टेस्ट है ना वो बिल्कुल सुपर से ऊपर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा छोटू सा ओवन है, जिसके अंदर एक एक करके जो हमारे पिज्जा बेसिस थे वो सारे के सारे रखे जा रहे हैं। भाई यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है ना ऑर्डर की वो इतनी ही रहती है हमेशा, खाने से पहले ही आपके जो अगले ऑर्डर्स होते हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे एक पूरा का पूरा पिज्जा अकेले खाने वाली हूँ, उसको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो मैं इतना खाते रहिए।